अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मेरे मैंने कहा कि चले जी घूमने जाते हैं, और हमारे गुलशन में मार मेला लगा हुआ है, और मेले में माशाल्लाह से अभी शाम होंगी, तो हम लोग शाम के टाइम पर आएँ। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता रश हो रही है, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं। पॉपकॉर्न खाएंगे भाई, पॉपकॉर्न देना ज़रा, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, भी खा रहे हैं वो भी बैठे हैं। आप गाइस ये अभी स्टार्ट हो रहे हैं, शाम का टाइम है, तो ये मेरे पोते लड़ाई कर रहे हैं। खाने के आइटम और बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, शाम का टाइम है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बहुत ठंडी हवा आ रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है, माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता रश हो रही है, और मैंने कहा चले जी काफ़ी दिन हो गया मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो मैंने कहा चले जी आपको ब्लॉग भी बना के दिखाऊं मैं कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और कहाँ पे घूम रहे हैं हम लोग, इंजॉय कर रहे हैं। आज मैंने सोचा चले जी मैं अपने पोते पोते को लेकर आया, घूमे फिरे इंजॉय करें, क्योंकि ये मेले कभी कभी लगते हैं, नसीबों के मेले कहते हैं ना, लगते हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी सालों के बाद यहाँ पर गुलशन म्यांमार में मेला लगा है, और हम लोग तो माशाल्लाह से सब जितने भी रिश्तेदार हैं आ रहे हैं, लेकिन मुझे आज टाइम मिला तो मैंने कहा चले जी हम फिर कर आके इंजॉय करते हैं, और इंशाल्लाह फिर आगे भी थोड़ा सा रश हो तो फिर मैं आपको दिखा दूँ। आज कैसे चल रहा है, कर रहे हैं मेरे पोते बैठे हुए, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं आगे और कितना रश होता है, और भी काफ़ी यहाँ पे मौत का कुआँ मौत का कुआँ भी लगा है यहाँ पे, तो मौत का कुआँ भी गई है हम लोग, थोड़ी सी रश हो जाए तो फिर ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग। जल्दी आ गए, 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक हम लोग आ गए, चलें जल्दी जाएंगे तो फिर जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कराची है, कराची में आप लोगों को पता है कि काफ़ी देर तक लोग जाते हैं, 2 बजे 3 बजे तक, तो इस वजह से तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरा चैनल तैयबा एक्टर ऑफिशियल के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिलेगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।